भैया बहुत सारी दिक्कत हो गई है जैद को, जैद रिस्पॉन्स नहीं कर रहा ज्यादा। तो रो मत ना, ठीक हो जाएगा। दूसरी बार एडमिट हो गया। ठीक, तूने रोना बंद कर। रात को 2 बजे तो यार कालू हमारे साथ खेला है, वो उसकी बॉडी में बिल्कुल पानी खत्म हो गया। एक दिन में छोटा सा मुंह हो गया। तो एक बात है, यूट्यूबर है, मत फैलाओ ऐसी हेट, थोड़े से अपने गिरेबान में झांको ना। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भैया बहुत सारी दिक्कत हो गई है जैद को, अभी हरिद्वार से घर पहुंचे ही थे। सूरज भाई दूसरे रूट से आ रहे थे, कालू भाई और हम दूसरे रूट से आ रहे थे। तो गोलू लेके पहुंची हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाते डॉक्टर ने देखा कि जैद रिस्पॉन्स नहीं कर रहा ज्यादा, तो उसी टाइम उसको एडमिट कर लिया। फिर गोलू ने कुछ ऐसी फोटोज भेजी मुझे, मतलब देखते ही दिमाग खराब हो गया कि भैया उसको मतलब पोटिंग ब्लड आ रहा बहुत ही ज्यादा, मतलब देखा नहीं गया मुझसे। और उसी टाइम अभी मैं भागा हूँ हॉस्पिटल की तरफ, कालू भाई हॉस्पिटल में है ही पहले, और गोलू मतलब बहुत ज्यादा रो दिया। ठीक है अभी मैं आ गया, 2 मिनट में आ गया बस, यहाँ से थोड़ा सा ट्रैफिक है बहुत ज्यादा, बस मैं आ गया। कोई बात नहीं, तो परेशान मत हो, बस आ गया 2 मिनट। जब भी कोई जरूरी काम होता है ना, इतना ट्रैफिक हो जाता है, देख रहे हो इतना ट्रैफिक है, मतलब गाड़ियाँ बस इतनी हिल रही है, और सारा ट्रैफिक है बारिश की वजह से, है ना। बारिश की वजह से बारिश बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसे भी काफी बारिश थी जब हम रास्ते में आए हैं। कुछ पता नहीं लगा ये हुआ कैसे है, मतलब बहुत ही साफ सुथरा होटल था, आपने देखा ही था, 5-star प्रॉपर्टी थी, और आपको पता बच्चे सिर्फ फीड ही लेते हैं बाहर का, कुछ खाते भी नहीं। समझ में नहीं आ रहा ये बीमार कैसे हुआ। रात को बहुत ही हंसते खेलते हम घाट पे घूमे हैं, सब कुछ इंजॉय किया, ये भी हमारे साथ घूम रहा था। और मतलब हमने तो मतलब जैद को तो स्पेशली ना तो ठंडे पानी में हमने नहलाया ना कुछ किया, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैंने बोला भैया पायल बस सिर्फ ना सिर पे माथे पे भरी गीले हाथ लगा दी, जो पानी में मत नहलाई, और उस टाइम वहाँ बुखार भी नहीं था। अभी क्या होगा, अभी बस निक्कू में गया है, निक्कू में भी बच्चा जाना मतलब बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि सुई भी लोग छोटे छोटे हाथ होते हैं, समझ में नहीं आ रही दिक्कत है कहाँ से हो रही है क्या हो रही। थोड़ा बहुत आइडिया है किस वजह से हुआ है? तो रो मत ना, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर इसलिए होते हैं, छोटा है ना, बहुत दूसरी बार एडमिट हो जाएगा। कोई बात नहीं, हो जाए। तुझे क्या हुआ एलर्जी से? एलर्जी नहीं हुई, जैद रो रहा था, दर्द हो रहा था, उसके नेल्स होते तो वो पकड़ के तो दर्द होता जकड़ता नहीं है। एक तो ना रोना बंद कर, बिल्कुल नहीं रोना, होता है मुझे, होता थोड़ा ना हो जाएगा। आ रहा हूँ अभी, क्या अंदर रिस्पॉन्स कर रहे, थोड़ा बहुत बातें कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन हाँ लो, सुबह उसने 9 बजे के करीब फीड लिया था, तो 9 बजने वाले 12 घंटे हो गया, 12 घंटे के अंदर उसने एक बार भी फीड नहीं लिया, 4 बार वॉमिट कर चुका है, और उसके ब्लड आ रहे हैं, और सांस भी धीरे धीरे ले रहे हैं, मतलब डॉक्टर कह रहे तबीयत काफी खराब हो गई। रात को 2 बजे तो यार कालू हमारे साथ खेला है, वो आराम से सोया है वो। ये पता नहीं ये ना उल्टी की वजह से हो रहा है, उल्टी भी कुछ खा पी नहीं रहा, उल्टी पे उल्टी करी जा रहा है, डॉक्टर ढीला हो रहा है, बिल्कुल ढीला हो रहा है, कोई नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर, हो जाता है ना थोड़ा सा, होगा माँ यार, होगा क्यों नहीं यार, बच्चा है यार, फूल जैसा बच्चा है यार। वैसे डॉक्टर बड़ा होना तो बोल के बता दे, मेरे पेट में दर्द है कुछ है, तो दिल में दोपहर को तो कुछ ज्यादा चिल्ला रहा था उस टाइम जब हम डॉक्टर पे लेके, जब मैं सुला रहा था उसको ना, आप बार बार सुला रहे थे कुछ ना, मैंने नीचे ट्राई किया, मैंने यहाँ से ना ऊपर से फीड मंगवाई, मैंने वो ट्राई करी, मैंने अपनी फीड ट्राई करी, मैंने सब तरीका ट्राई कर लिया, फिर वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, डॉक्टर कह रहे ऐसा ना हो उसकी बॉडी में बिल्कुल पानी खत्म हो जाए। सूरज भैया देखो गाड़ी चला के आए थे रस्ते में, हो रहा था क्या? नहीं आवाज ही नहीं थी, पूरे रास्ते सोता है, पूरे 5-6 घंटे सोता है, पूरे रास्ते सोता है, पूरे बेटी ठीक है तू है? ठीक है मैं जान, बुखार सा हो रहा है, गर्म हो रहा है, मैं ये बात तो मैंने, चलो चलो एडमिट कराता हूँ आपको, चलो चलो। खून निकलता था, एक ही में होगा, एक में लगता है, एक में लगती है, हंस के दिखा दो थोड़ा सा, दिखा दो ब्लड सैंपल लिया, अब इसकी रिपोर्ट कल आएंगी सुबह, फिर पता चल जाएगा क्या हुआ है। दादू बेटी गर्म हो रहा है, बुखार हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हमें भी तो ग्लूकोज नहीं चढ़ता, हम भी कुछ कभी कभी खा नहीं पाते, गैस वैस बन गई, ठीक तो हो गया था, उसे अभी हो जाएगा, चल चलो। वॉमिटिंग में तो 4 बार करी है, होना नहीं है बेटी, अब देखो लग गए ड्रिप लग गए, ठीक है उसे भी ठीक हो जाएगा। मैं काका इस बार दूसरी वाली चढ़ी है इसको ना, पहले वो थी ना, पहले मशीनों से चढ़ती थी ना, पहले छोटा था गोलू, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, बस बस बस, नहीं चुप हो जाओ, बस जान नहीं ना, सुबह से रो रहा है यार, कहाँ से रो पाएगा, चुप हो जा अब ना, ये 1 घंटे में जाएगी इसको, पता है कोई नहीं, मैं भी आई हूँ, एंटीबायोटिक दे देना इसको, अभी सो जाएगा थोड़ी देर तक, ठीक है 1 घंटे में जाएगी, एंटीबायोटिक सो गया, देख नींद आ गया, सो तो पूरे रास्ते रहा था, जान नहीं ना मैं तो, चलो यार मैं ये शुक्र मना रही हूँ भैया कि इसकी तबीयत अभी खराब हुई, अगर रास्ते में इनकेस अगर इसकी तबीयत खराब हो जाती फिर तो बिल्कुल हमें भागम भाग करनी पड़ती, सोचना तू हरिद्वार हो जाती, वहाँ तो डॉक्टर नहीं पता कौन कहाँ है क्या नहीं, यहाँ तो पता तो कम से कम, पता तो है कि यहाँ पे पैदा हुआ है सब कुछ, पहले भी डॉक्टर
डॉक्टर ने ठीक कराया, ठीक हो जाएगा। पायल की कह रहे लापरवाही मत कर, अयान को भी ले आओ। ले आ यार, उसको भी ले आओ, क्या दिक्कत आ गई दोनों बच्चों को। सुलाने की कोशिश कर रही है, सुला मत, नहीं वो चीकू के पापा कह रहे हैं कि ले आ, दिखा देंगे, लापरवाही मत कर, एक बार उसको ले आ, ठीक है। हाँ तू इतना जायद के लिए ब्लैंकेट भेज दे। तो मैंने अभी डॉक्टर से पूछा कि दिक्कत कहाँ है, मतलब कैसे बीमार हो गई। यहाँ से हम सिर्फ हरिद्वार गए, यानी कि लगा लो अभी घर आए इस टाइम 24 घंटे अप डाउन, यानी कि रात को हम वहाँ रुके, गाड़ी में थे बच्चे और बहुत ही नीट एंड क्लीन होटल भी था। तो डॉक्टर कह रही यहाँ से अगर वहाँ जाते हैं ना, वेदर चेंज होता है, उसमें बच्चे बीमार हो जाते हैं। डॉक्टर ने ये भी बोला कि ना इसको शायद से इंटेस्टाइन इन्फेक्शन है, क्योंकि इसने ब्लड पास करा है। और मैंने डॉक्टर से पूछा इसका रीजन क्या है, उन्होंने बोला इसका भी रीजन कल ब्लड की रिपोर्ट आएंगी, इसका जो स्टूल है उसका सैंपल जाएगा, उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी ना तब पता चलेगा इसको क्या हुआ। फिर से लग गई इसको ड्रिप ना, सबसे बड़ी दुख यही चीज है कि ड्रिप बच्चे की। दूध दूध पी रहा है, कुछ ले रहा है, टॉयलेट किया कुछ भी नहीं, ना टॉयलेट किया ना यूरिन पास किया ना परेशान पास हो रहा किया। है बहुत ज्यादा, पूरे रास्ते भी पूरा सुबह से ही परेशान है, सुबह 9 बजे उठा था, पूरे 12 घंटे हो गए। मम्मा भाई बहन भी इसके परेशान थे बहुत, मैं उनको बड़ी मुश्किल से सुला के आई हूँ। सो गए ना दोनों, ठीक है आयन ठीक है, उसको गैस हो रही थी पेट में ना, फिर मैंने उसे डॉमस्टॉल दे के उसे चुप करा के सुला के आई। क्या हुआ, एक दिन में छोटा सा मुंह हो गया? देखो मेरी उंगली को कट रखी, ये बोल रहा है आपको, पापा मेरी आंखें नहीं खुल रही, मैं क्या करूँ, मुझे नींद आई। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली पूरी जो एंटीबायोटिक था ये चला गया पूरा, अब ये है ये सुबह तक चलेगी इसको, और नींद आ रही है इसको ना, नींद पे नींद आ जा रही है, जैसे दवाइयों के गिरने नहीं हो जाता, जैसे मेरे को हुआ था, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी 2 दिन ऐसे इसके साथ। तो एक बात है, मतलब बोलनी तो है नहीं मुझे, फिर भी दिल कर रहा है, मतलब रहा नहीं जा रहा। अब जैसे जैद बीमार हो गया तो कुछ ना, मतलब यूट्यूबर हैं, अब बच्चों को लेके वीडियो बना देंगे, हरिद्वार लेके गए थे, इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके हरिद्वार कौन जाता है, कभी हमारी फैमिली के लिए बोलते हैं, कभी मम्मी के लिए, कभी कालू के लिए, कभी सरोज के लिए, कभी सपना के लिए, कभी सुनीता के लिए, मतलब रोज ही ऐसी ऐसी झूठी सच्ची बातें बोलते रहेंगे सिर्फ चंद व्यूज के लिए, मतलब हेट फैला रहे हैं। अरे भाई अगर तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है तो वो दिखाओ ना, व्लॉगिंग करो अपनी, मतलब कॉमेडी करो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे, मतलब क्या है ना, फिर तुम्हें झांकना है हमारी फैमिली के अंदर, मतलब आज बच्चे बीमार हो गए, इनकी लापरवाही थी, वहाँ चले गए थे, इनको ये हो गया था, आज मैं आपको बता देती हूँ, पायल सीधी क्यों नहीं बैठी थी, जैद को इन्होंने कुछ खाने को नहीं दिया होगा, ये घूमने फिरने में इनका दिन निकल गया होगा। तो भाई मत फैलाओ ऐसी हेट, ठीक है, थोड़ा सा सोचो, अगर हम आपके बारे में रोज बोलने लग जाए तो आपको भी लगता है तो हमें भी बुरा लगता है। और बात रही रिश्तों की, रिश्ते तो आजकल भैया रहे ही नहीं रिश्ते, ठीक है, लड़ाई झगड़ा किसी घर में होता है तो अपना फोन पे सुलटाओ ना, यूट्यूब पे थोड़ी फैसले होते हैं। बाकी और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा मैं, बाकी अपनी चीजों में ध्यान लगाओ, और रिक्वेस्ट करूंगा बस मैं कि भैया हेट मत फैलाओ। मुझे ये समझ में नहीं आता, जो चीज नहीं होती ना हमारे ब्लॉग में, वो चीज खुद बना बना के बैठ जाते हो कि इतना टाइम कैसे आता है आपके पास। हमें ब्लॉग बनाने में इतना हो जाता है, इतना काम होता है हमारे पास, इतना काम होता है, तब भी हम 10 मिनट अपना इतनी मुश्किल से निकालते हैं। जैसे हमारा कोई भी ब्लॉग आएगा या हमारे किसी भी जानकार का कोई भी ब्लॉग आएगा तो आप सिर्फ ऐसे आगे खोल के, मतलब आगे टिका, आपका चैनल हमारे दम पे चलता है, मतलब थोड़े से अपने गिरेवान में झांको ना, आपके पूरे चैनल पे हमारे थंबनेल है, पूरे चैनल पे कोई और कुछ है नहीं। फिर क्या करते हो तुम, ललिता आंटी ने ऐसे बोल दिया, कालू ने ऐसे बोल दिया। भाई लड़ाई झगड़े हर किसी के घर में, पर आजकल क्या ना, आजकल सोशल मीडिया के झगड़े हैं कि भैया झगड़ा भी दिख जाएगा, व्यूज भी आ जाएंगे, पैसे भी कमा लेंगे। क्यों, आज से पहले कहाँ थे झगड़े, झगड़े थे ना आज से पहले, क्यों भूल गए सब कुछ, फोन पे अपने झगड़े सुलटाते। तो बस मैंने तो ये कसम खा लिया भैया, जिंदगी में हमने जो किया वो हमें पता, जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं ना तो भैया मैं तो बिल्कुल भी 1% भी गिल्टी नहीं हूँ। मैंने जो जीवन में किया ना, मुझे गर्व है यार, मैंने आजकल मतलब बहुत कुछ अच्छा किया, सबके लिए अच्छा किया। आज मुझे कोई कितना बुरा बोले, कितना भला बोले, मुझे नहीं फर्क पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क तब पड़ेगा जब गोलू और पायल बोलेंगे हाँ तुमने हमारे साथ गलत किया था और आज ये हो रहा है। रिश्ते तो बिल्कुल पानी हो गए आज के टाइम पे, एक हस्बैंड वाइफ और बच्चों के अलावा कोई रिश्ता नहीं है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये तो चलो हमने सिखा दिया लोगों को जो थे हमारे साथ, हमने सबको सिखा दिया यूट्यूब, पर हमने इसलिए नहीं सिखाया था कि तुम अपने घरों की चीजें यूट्यूब पे लेके आओ और जगह सही कराओ। और आप लोगों को क्या, आपको तो मौका चाहिए, छोटी सी चीज होती है ना उसको आग से तिनका तिनका, मतलब इतना बड़ा आग बना दोगे ना कि वो कुछ बात नहीं होती, पर इतनी बड़ी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, समझ में नहीं आता कि आप लोगों को बोले क्या। मतलब अगर कोई और करे तो ठीक किया, अगर हम चुप रहते हैं तो गलत, बोले तो गलत, कुछ अगर कहीं किसी के घर में कलेश चल रहा, कोई बीमार हो, हम अपने रेगुलर लाइफ जी रहे हैं तो गलत। मतलब हम क्या हर चीज का सबूत थोड़ी देंगे, हमने किसी से बात की है नहीं की, हमारे क्या क्या बातें हो रहे हैं, मतलब पूरे
पूरे दिन की दिनचर्या 10 मिनट में तो दिखा रहे हैं ना, ये थोड़ी है कि हम 24 घंटे हमारे कैमरे ऑन है। और भाई तुम होते कौन हो, हमारे घर में कलेश हो या ना हो, झगड़े हो ना, हम एक डेली लाइफ दिखा रहे हैं हमारी, ठीक है। उसके बाद हमारी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, हम नहाते हुए कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हैं, कौन सा टॉवल यूज कर रहे हैं, वो थोड़ी आपको दिखाएंगे। थंबनेल इतने गंदे गंदे लगाते हो, अब होगा खुलासा, पायल रंगे हाथ पकड़ी गई, अरमान ने ये क्या कर दिया, गोलू की मम्मी ने ये क्या कर दिया, मतलब इंसानियत बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है, तुम हमें कहते हो क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारे यूट्यूब चैनल का थंबनेल नहीं देखेंगे, बताओ मुझे। सही बात है बिल्कुल, या तो आप अकेले होगे और आपके पास कोई शर्म की बात। तो मुझे सबसे बड़ी लगी एक, मतलब मेरी भाभी है उनका चेहरा खराब हो गया, एक औरत देखी थी मैंने, मतलब उनकी ना नकल बना रही थी, मतलब चेहरे को लेकर बॉडी शेमिंग कर रही थी। तुम्हें ना बिल्कुल ना, मतलब तुम बहुत एजुकेटेड समझते हो अपने आप को, ये बात तुम्हें पता, अच्छे से तुम्हें बोल रहा हूँ मैं, थोड़े दिन पहले मैंने कमेंट भी किया था रात को तुम्हें। तो मतलब तुम उसका चेहरा खराब हो गया, उसका ना मतलब मेकअप करके और उसकी बॉडी शेमिंग कर रही है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है वो अपने शरीर से परेशान है, पर तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो चंद व्यूज के लिए उसका मतलब बॉडी शेमिंग करना, ये देखो मेरा चेहरा खराब हो गया, मैं कौन सी क्रीम लगाऊं। अरे भैया अपने गिरेबान में झांको, तुम बहुत बड़े यूट्यूबर बनते हो तो अपने दम पे कुछ करो ना। मैंने चलो कुछ भी किया, मैंने टिकटॉक से लेके यूट्यूब का सफर किया है, अपने दम पे किया है और आगे भी अपने दम पे करता हूँ। राह चलते हुए हीरो बनाया हमने, राह चलते हुए, ठीक है, इतिहास गवाह है। और लिस्ट एक बार चेक कर लेना कितने लोगों को यूट्यूब चलाना सिखाया, या हमने खुद सीखा था, हमने किसी से सीखा ना, कोई हमारा गुरु था, पर हम गुरु हैं बहुत लोगों के, और ये बात उनको बहुत अच्छे से पता, चाहे वो आज ना करे यहाँ करे। पहले के लोग क्या होते थे ना, जिससे सीखते थे ना उसके चरणों में मत्था झुकाते थे, पर आज के लोग क्या ना, जिससे सीखते ना उसी को गालियां देते हैं, उसको बोलते हैं हमने इसके लिए बहुत कुछ कर दिया। मैं तो फिर भी प्यार से यही बोलूंगी, बस करो बस करो, बुरा लगता है, हमें भी लगता है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं ये, ठीक है, हमने खून के आंसू निकाल के इन्हें पैदा किया, हमें पता है हमारी प्रेगनेंसी कितनी मुश्किल से हुई है, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहूंगी, बस करो और ये छोटी मोटी चीजें करना बंद करो। कुछ लोगों का ये भी कहना था, ये अरमान मलिक ना कृतिका को मार मार के जिम करवाता है और इसको कुछ खाने के लिए नहीं देता है, क्योंकि उसको चाहिए कि जल्दी फिट हो जाए और जल्दी से अपने काम में दोबारा आ जाए। तो ऐसा देखो, चाहे आदमी कितना भी अमीर हो, चाहे कितना भी गरीब हो, कोई भी औरत ना मार नहीं खाएगी, और अगर कोई खाना नहीं दे तो बंदा इतना अटक अटा इतना अष्टपुष्ट नहीं दिख सकता है। तो ये सिर्फ आपकी छोटी छोटी सोच है और ये आपका हेट फैलाने का एक तरीका है, बहुत ही भद्दा तरीका है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद ये चीज ना आपके घर में आपके साथ होती होगी, तो आपको ऐसा लगता होगा कि हमारे साथ ऐसी होती है। हम अपने घर में बहुत हैप्पी बहुत खुश रहते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बार बार एक ही बात मेरे जबान पे है कि ये जो हेट आप फैला रहे हो ना, हेट मत फैलाओ। मेरी बेटी दाई पी लो, जल्दी ठीक होकर घर जाना है ना भाई के पास, यहाँ पे मिच कर लियो ना भाई बहन को, यहाँ आस पास में भाई बहन नहीं है आपके, आप अकेले हो, दाई पी के जल्दी से ठीक हो जाओ। चल गोलू अभी सो रहा है, ये ड्रिप हो जाए तो डॉक्टर से बात कर लियो, मैं जा रही हूँ वहाँ पे 3 बच्चे। हाँ नहीं यार, कल चीकू को भी स्कूल जाना है, तू भी जा, ठीक है, तू मैं हूँ यहाँ पे, टेंशन आप यहाँ पे हो, मैं आपके लिए चद्दर वद्दर भिजवा दूंगी, खाना मैं यही रख देती हूँ, रात भी रात भूख लग जाए बोलू। हाँ चल ठीक है, तू खाना छोड़ दे, ठीक है ठीक। तो बस हॉस्पिटल से निकल चुकी हूँ, घर जा रही हूँ, क्योंकि घर पे भी 3 बच्चे और चीकू ना बिल्कुल सो नहीं रहा है, वो कह रहा मम्मा आ जाओ आप, आपका हाथ दे दो, हाथ के बिना वो सोता नहीं है, उसको ये आदत बहुत बुरी डली हुई है मेरी। तो बस उसको जाके सुलाऊंगी, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो गया है, सुबह स्कूल जाना है उसको। इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, बाय बाय गाइस।